सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए। साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बच्चों, एक्चुअली ये आप लोग के लिए क्लास 9 में इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, एक प्लेन होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम पूछ रहा है तो उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन है उसका भी नाम पूछ रहा है। ठीक है, उसको व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन, सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो मतलब ये जो प्लेन है, जो फोर इस प्लेन में जो फोर पार्ट बन जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम दीज टू लाइन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो एक्चुअली बच्चों ये फोर बन रहा है ना, फोर जिसका मतलब क्वाड, तो वहीं से वर्ड आया है क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड, और ये जो लास्ट है इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट वर्ड यूज किया जाता है। अब राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। बच्चों आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है, ये फिगर देखना है हमें और उसके बेसिस पर ये हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी पॉइंट कहाँ ये है। ठीक है, इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले कोऑर्डिनेट हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड ऑन एक्स एक्सिस, सबसे पहले एक्स पे मूव करते हैं, एक्स एक्सिस ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन उस पे हम लोग डिस्टेंस मूव करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल या फिर वाई एक्सिस पर मूव करते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है बच्चों डायग्राम में, बी पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक्स एक्सिस पर मूव करना कितना, -1, -2, -3, -4 और ये -5। तो यहाँ पर जो बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसमें एक्स का वैल्यूज क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, फिर वाई, वाई पर कितना मूव करना, वाई के पैरेलल यहाँ पर मूव करेंगे क्योंकि वाई एक्सिस पे नहीं है। ठीक है बच्चों, तो वाई के पैरेलल कितना डिस्टेंस मूव करना है, यहाँ से देखिए 1 और ये 2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 1 और ये 2। ठीक है, सो वाई एक्सिस के पैरेलल कितना डिस्टेंस मूव करना है, 2 डिस्टेंस। तो ये हो गया बच्चों कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में हमेशा दो वैल्यूज होते हैं, एक तो एक्स और एक y। तो x क्या है, डिस्टेंस मूव्ड ऑन x एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है, y, y इज अ डिस्टेंस मूव्ड ऑन या फिर पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स में दो चीजें होती है, माइनस एक्स और y, -5 और 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, c पॉइंट कहाँ है, c पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो C पर मूव करने के लिए देखिए पहले x एक्सिस पर मूव करेंगे, तो x एक्सिस पर जब मूव करते हैं बच्चों, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस साइड में है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर भी पॉजिटिव दिख रहे हैं x एक्सिस पर, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो C पॉइंट पर x एक्सिस पर कितना मूव हो रहा है, 5। अब उसके बाद y एक्सिस के पैरेलल हमें यहाँ पहुंचने के लिए हमें y एक्सिस के पैरेलल नीचे मूव करना होगा। ठीक है, तो जब भी y एक्सिस पर हम लोग नीचे मूव करते हैं वैल्यूज क्या होते हैं, वाई एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। ठीक है, कितना मूव करना है, तो सी का दिख रहा है यहाँ से बच्चों, यहाँ देखिए कितना मूव करना है, -5। ठीक है, तो इसका वाई जो कोऑर्डिनेट है इसका वाई भी क्या होगा, -5। ठीक है, तो ये हो गया सी का कोऑर्डिनेट 5, -5। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पार्ट देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस पर कितना मूव करना है हम लोग को, -3। तो -3 मूव करिए, 1 या -1, -2 यहाँ दिख रहा है, -3। ठीक है, -3 मूव करने के बाद हमें क्या कर रहा है, -5 मूव करना है। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने बताया वाई एक्सेस अगर ये पॉजिटिव होता, ये प्लस फाइव होता तो हम क्या करते, यहाँ पे दिख रहा है वाई एक्सेस पे ये वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, ठीक है, -5। इसका मतलब हमें क्या करना है, मूव करना है बच्चों, हमें नीचे मूव करना है, ठीक है, क्योंकि नीचे यहाँ पर वाई एक्सेस पे वैल्यूज क्या दिख रही है बच्चों, माइनस, ठीक है। तो -3 और -5 डिस्टेंस जो है, 5 यूनिट डिस्टेंस हमें नीचे की तरफ वाई एक्सेस पे मूव करना है। तो ये देखिए यहाँ से अगर आप कहेंगे -5 के पैरेलल ये रहा, ठीक है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों, ई पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, मतलब पहले एक्स एक्सेस पर -3 डिस्टेंस मूव करेंगे, फिर वाई एक्सेस पर -5 डिस्टेंस मूव करेंगे, तो कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों, ई पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ई पॉइंट, ठीक है, ओके। नाउ द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, +2, तो एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टेंस मूव करेंगे, यहाँ पहुंच गए हम लोग, ठीक है, 1, 2, ठीक है। और उसके बाद वाई क्या है, वाई है नेगेटिव, ठीक है, इसका मतलब हमें फिर से यहाँ पर पहुंचने के बाद, 2 पर पहुंचने के बाद नीचे की तरफ जाना, कितना, -4 डिस्टेंस, ठीक है, -4, तो यहीं से जाना है -4, तो -4 के पैरेलल कहाँ है, यहाँ पहुंच गया, तो ये हो गया पॉइंट जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट जी, ठीक है। नाउ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी क्या है, फिफ्थ पार्ट, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा मतलब होता है बच्चों डिस्टेंस मूव्ड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, जितना भी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस मूव करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, मतलब जो कोऑर्डिनेट में x, y होता है, जो x, y मैंने लिख के बताया आप लोग को, x, y, तो ये x को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, ठीक है, और दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे इसको, दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में क्या क्या चीज होते हैं, एब्सिसा होती है और ऑर्डिनेट, ध्यान से देखिए, ये ओ, बस सी ओ नहीं लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पूछा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पहले पॉइंट डी कहाँ ये है, ठीक है, तो पॉइंट डी तक पहुंचने के लिए हम लोग बच्चों एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस मूव करेंगे, 6, ठीक है, 6, और वाई एक्सिस पर कितना मूव करना है हम लोग को, क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो +2, तो जो एक्स का वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। ये तो एब्सिसा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस मूव किया हम लोगों ने उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। नाउ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पॉइंट एच कहाँ है ये रहा बच्चा, उसको हम लोग ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, तो ऑर्डिनेट मतलब क्या, मैंने बताया जो वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो एच पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कोऑर्डिनेट होगा एच पर पहुंचने के लिए, देखिए एक्स एक्सिस पर कितना मूव करेंगे, -5, -1, -2, -3, -4, -5, मतलब एक्स एच लिखने के लिए एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, ठीक है, ये वाला, ये किसके पैरेलल देख लेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ से लाके ये -3, मतलब वाई क्या इसमें है, -3, ठीक है, एच के कोऑर्डिनेट के लिए। तो पूछ रहा है ये ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ये जो वाई की वैल्यू, ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर -3, मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है। नाउ सेवेंथ पार्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल कहाँ है बच्चों, एल रहा ये, ठीक है। अब देखिए ऑर्डिनेट देखने के लिए, इसका सॉरी इसका कोऑर्डिनेट देखने के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग को ये जो ये पॉइंट एल किस पे है, पॉइंट एल है वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट एक्स वाई एक्सिस पर होते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे आप, जितने जो भी पॉइंट है वाई एक्सिस पर सबका एक्स क्या होता है, 0, ये तो आंख बंद करके लिख दीजिएगा, उल्टा मतलब पॉइंट अब किस पे दिख रहे हैं, वाई एक्सिस पर, तो उन सभी पॉइंट्स के क्या होंगे, एक्स 0 होगा, ठीक है, वाई एक्सिस पर जब पॉइंट देखेंगे तो एक्स 0 होगा, और अगर आप कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लिखना चाहते हैं तो उसका वाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। वैसे भी पॉइंट देखिए एल तक पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस मूव करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे मूव कर लिए, ठीक है, मान लीजिए मूव करके यहाँ आ गए, तो आप देखिए यहाँ पहुंचेंगे ना कि एल पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो एल पे पहुंचने के लिए एक्स पे कितना डिस्टेंस मूव करना होगा हमें, 0, क्योंकि हमें मूव ही नहीं करना है, ठीक है, सीधे क्या करना, सीधे हमें वाई एक्सिस पर ही मूव करना है, ठीक है। तो और कितना डिस्टेंस मूव करना है, चूंकि ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्टेंस मूव करेंगे, और कितना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल कितना हो जाएगा, 0, π। ये याद रखिए बच्चों, जनरल लाइफ में, जनरल में भी ठीक है, जनरल क्वेश्चन में भी वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आप अज्यूम कर रहे हैं तो उसका एक्स क्या होगा, 0, और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर अज्यूम कर रहा है तो उसका वाई क्या होगा, 0, उल्टा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम कहाँ है, ये रहा, ये जो है ये पॉइंट एम है, ठीक है। तो कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ध्यान से बच्चों। अब इसमें क्या है, हम सबसे पहले एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं, कितना डिस्टेंस, -3, ठीक है, -1, -2 और -3, -3 डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। लेकिन एम पर पहुंचने के लिए ना ही हम इसके ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, क्यों भाई, जैसे ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ एम को छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, और नीचे जाएंगे थोड़ा सा भी डिस्टेंस मान लीजिए मूव करते तो हम एम एम को छोड़ देंगे, ठीक है। तो एम पर पहुंचने के लिए ना ही हमें ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव करना है, ठीक है। तो जब ऊपर और नीचे कहीं नहीं जाएंगे तो उनकी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम हो जाएगा -3, 0, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, और इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।